अब चुनावी मैदान में भी अपना जौहर दिखाने वाली है। लेकिन चुनावी मैदान में एक बहुत बड़ी चुनौती ये कहें कि बीजेपी के लिए ये है कि इस बार वो चुनावी रण का इतिहास बदल दे, जो हर 5 साल में बदलता है वो इस बार ना बदले, और उसकी पूरी जिम्मेदारी पार्टी की मुखिया, सेनापति और खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की है। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। थैंक यू, थैंक्स टू बी हियर माधुरी। पहले तो मैं थैंक यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करा दिया। फर्स्ट थिंग आई वांट टू नो कि पिछली बार, इस बार आप जनता के बीच में विकास के विषय को लेकर हैं, लेकिन पिछली बार आप तत्कालीन सरकार की नाकामियों को लेकर थी, तो क्या ज़्यादा आसान है? What will be the more comfortable thing or comfortable zone for a leader or as a CM? Listen, ऐसा है कि 2003 में भी विकास था, परंतु हम opposition की ओर से मैदान में उतरे थे, और it's natural कि भाई पहले तो हम वो देखने की कोशिश करें कि actually में क्या सरकार में चल रहा है क्या नहीं, और उसके ऊपर फिर अपना vision बनाने का काम करें। मैं ये मानती हूँ कि तब भी हमने जनता को प्रमुख करते रखते हुए अपनी बात को सबके सामने रखी, और अब भी जनता को ध्यान में रखते हुए हम अपने विजन को बना के जमीन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। विकास हमारा मुद्दा तब भी था, विकास हमारा मुद्दा अब भी है, और विकास ही चीज है जिसकी वजह से राजस्थान आगे बढ़ सकेगा। राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए विकास ही सबसे बड़ी पूंजी कही जा सकती है, ये वसुंधरा जी को लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो जब भी आप जय जय राजस्थान बोलती हैं, और जब जब आपने ऐलान किया तो आपने टीम राजस्थान की बात की, तो अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि टीम राजस्थान ने प्रदेश के लिए क्या किया है, कोई बड़ी 3 उपलब्धियां? देखिए, जय जय राजस्थान ये बहुत जरूरी है कि हर एक व्यक्ति अपने स्टेट में वो प्राइड फील करे, और टीम राजस्थान के बिना काम चल नहीं सकता है। और टीम राजस्थान में सिर्फ मैं या मेरे कार्यकर्ता नहीं है, टीम राजस्थान में सिविल सोसाइटी भी है, ऑफिसर्स भी हैं, एनजीओज भी हैं, और हम लोग सब हैं, मैंने कार्यकर्ता और हम, ये पूरी टीम जब काम करती है तो इस राजस्थान को जिस रास्ते पे हम ले जाना चाहते हैं उस रास्ते पर हम आराम से ले जा सकते हैं। अगर मेरे कोई स्कीम्स ऐसे हों जो मैं जमीन पे लाऊंगी, उन स्कीम्स को भी सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें टीम की जरूरत होती है। मेरे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम्स जिसको मैं समझती हूँ कि प्रमुखता से देखा जाए, तो सबसे पहले हमारी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो स्कीम उनके लिए बनाया था, भामाशाह, वो है। इसमें हमने एनविसाज ये किया है कि हमारी महिला को घर का और परिवार का मुखिया बनाने का काम हम करें, अकाउंट उसके नाम पे हो, पैसा उसके नाम पे जाए, ताकि उसका भी एक आधार परिवार के अंदर बने। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये काम चालू किया। जब मैंने शुरू किया था उस समय तो मुझे बैक करने के लिए कोई था नहीं, प्लास्टिक जो कार्ड के लिए मिलता है वो अवेलेबल नहीं था, 2006-07 की बात कर रही हूँ मैं, कोई बैंक नहीं था जो कहने को तैयार था कि हम आपको मदद करेंगे, आपको बैंक रोल करेंगे। आज 10 साल बाद मैं ये कह सकती हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है। अगर बीच में ये रुकावट नहीं होती 5 साल की, तो मैं समझती हूँ कि ये स्कीम बहुत पहले जमीन पे आ जाती और हमारी महिलाओं को सुदृढ़ बनाने का, 1 करोड़ परिवार, 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार में पहुँच के उनको सुदृढ़ करने का काम नहीं करती। आज इतने सारे लोगों को हम लोगों ने पैर पे खड़ा कर दिया और हमारी महिलाओं को परिवार का प्रमुख बना के आगे रखा है, मुझे उसका गर्व है। सेकंड जो हमारा है वो मैंने कहा कि महिला क्या सोचेगी जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके बाद माँ उस बच्चे को जब संभालती है तो आगे क्या सोचती है, तो आगे सोचती है कि उसकी शिक्षा और उसके आगे सोचती है उसकी हेल्थ। तो मेरे लिए ये बहुत जरूरी था कि उसकी हेल्थ के ऊपर हम ध्यान दें, तो हमने एक नई स्कीम बनाई जिसका भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना नाम हमने दिया, और इस बीमा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने 30,000 से लेके 3 लाख तक की योजना बनाई, जिसमें सरकारी अस्पताल एज वेल एज प्राइवेट अस्पताल इन लोगों को जुड़ के सेवा देने का काम किया, एंड वी कवर्ड ऑलमोस्ट 67% हमारे जो लोग थे उनको 67% तक हमने कवर करने का काम किया।
मैं मानती हूँ कि इससे आज जब मैं फील्ड में जाती हूँ तो मेरे को लोग मिल जाते हैं जो मेरे को आके धन्यवाद देते हैं। SMS हॉस्पिटल में मैं जब खड़ी थी तो किसी ने आके मेरे कंधे के ऊपर हाथ दिया, तो मैंने उनसे पर इरिटेशन महसूस किया कि भाई क्या है मेरे, कौन कर रहा है मेरे को। तो पीछे देखा तो एक महिला खड़ी थी, आंखों में आंसू थे, और उसने कहा मैं खाली आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही, मैं आपको खाली धन्यवाद देना चाह रही, मैं आपको खाली ये कहना चाह रही हूँ कि रात को मेरे हस्बैंड का एक बहुत जोरदार मैसिव हार्ट अटैक हुआ, मैं अकेली थी घर में, मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने डॉक्टर को अस्पताल में SMS में फोन किया, उनने मेरे से पूछा कि भामाशाह कार्ड है क्या, स्वास्थ्य बीमा का कार्ड है क्या, मैंने कहा हाँ, तो उनने कहा कि हम एम्बुलेंस भेज रहे हैं, तुरंत अपने हस्बैंड को लेके अस्पताल पहुंचिए। मैं अस्पताल गई और रात को उस कार्ड के ऊपर विदाउट एनी पेमेंट मेरा हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, 7 घंटे का ऑपरेशन हुआ। और आज अगर मेरी हस्बैंड की जिंदगी है और उसको वापस मिल गई है तो वो आप लोगों की वजह से है, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि ऐसी चीज जब होती है तो आंखों में आंसू वैसे ही आ जाते हैं, और खुशी होती है कि हम किसी को किसी की मदद इस तरीके से कर सके। इसलिए मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम मेरा है। उसके बाद मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, बहुत पैसे की जरूरत होती है जब भी पीने के पानी की और भूमि के जल की बात अपन करते हैं, तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी था कि इस एरिया में हम लोग देखें। तो मैंने कहा जैसे टीम राजस्थान को इकट्ठा किया और टीम राजस्थान से बात की, ब्यूरोक्रेसी थे, पुलिस थी, आपके आर्मी था, इन सब लोगों को इन्वॉल्व करते हुए हमने उनके सामने अपना प्लान रखा और उन्होंने पूरी तरह से हमको इंडोर्स किया और कहा कि आप इस प्लान को करिए, हम आपके साथ हैं। लोगों ने अपना श्रम दिया, किन्हीं लोगों ने पैसे दिए, किन्हीं लोगों ने मशीनरी दी, और हम लोगों ने जगह जगह के ऊपर छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे जल के स्थान हमने बंद छोटे छोटे बनाने का काम किया। करीबन 340,000 या 350,000 ऐसे बन चुके हैं पूरे राजस्थान के अंदर 3 साल के अंदर। और इसके से क्या हुआ, मुझे खुशी तब हुई जब इसका रिजल्ट अपने पास वापस आया, कुएं के अंदर पानी ऊपर आ गया, सूखे हुए हैंडपंप के अंदर पानी आ गया। और बढ़िया बात तो यह है कि गर्मी के समय के अंदर जो टैंकर ट्रिप्स यूज किए जाते हैं वो टैंकर ट्रिप्स कट डाउन बाय हाफ। तो मुझे खुशी हुई क्योंकि मुझे लगा कि ये काम इतना सक्सेसफुल हुआ है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और डार्क जोन जिसको कहते हैं, जिस एरिया के अंदर, उन डार्क जोन के कुएं भी ऊपर आ गए, और किसानों का जो ग्राउंड वाटर लेवल बिल्कुल ही खत्म हो गया था, बहुत नीचे चला गया था, वो ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आ गया। उससे बहुत अगर पानी है पर ये एंडोर्समेंट हमने ही नहीं दिया, ब्रिक्स के एक बहुत बड़ा कन्वेंशन चल रहा था, ब्रिक्स के कन्वेंशन के जो लोग वहाँ उदयपुर के अंदर मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप हमको ये MJSA के कुछ जो बंद और बनाए हैं, एनिकट्स बनाए हैं, वहां ले जाके हमें दिखाया जाए। हम उनको ले गए वहां, वो इतने खुश हुए, नाइजीरिया के लोग थे, 2-3 और कंट्रीज थे, वो लोग इतने खुश हुए उसको देख करके। उन्होंने ये कहा कि भाई इसका मैंने एग्जाम्पल लेके हम अपने कंट्री में भी इसी तरीके से काम कराना चाहते हैं क्योंकि हमारी भी यही प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एंडोर्समेंट एक इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों को मिला है और मुझे बड़ी खुशी है कि इसका फायदा हमारी जनता को, पर्टिकुलरली हमारे फार्मर्स को, पर्टिकुलरली ग्रामीण इलाके के अंदर हम कर पाए। और इसको इसका फायदा मिला, एक तो हमारी महिलाओं का काम, दूसरा जो भी हमारे हेल्थ के लिए जो गरीब लोग हैं उनको हेल्थ का काम, और तीसरा किसानों के को मजबूती देने का काम। इसके साथ साथ अभी अपने मतलब मुझे ये अच्छा लगा कि कोई कोई मुख्यमंत्री अपनी टीम में इतने लोगों को एड ऑन करता है। क्या विपक्ष भी आपकी टीम राजस्थान में है, और अगर ऐसा है तो क्या उन्होंने भी प्रदेश के सहयोग के लिए? मैंने कभी उनको नहीं रोका, मैंने हमेशा कहा कि हम लोग सब अगर जुड़ जाते हैं, विपक्ष भी क्यों ना जुड़े, हम लोग सब अगर जुड़ जाते हैं और उसको प्रेम से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और मैंने हमेशा ये कहा कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जरूर करें एंड कंस्ट्रक्टिव इश्यूज के ऊपर जरूर भाषण दे के और बहस करके और हमें सुझाव दें। हो सकता है, हाँ हो सकता है कि उन सुझावों में तंत्र हो और हम उसको अपने क्षेत्रों के अंदर इस्तेमाल कर सकें। मैं मुझे दुख है ये कहते हुए कि
नॉट ओनली कि सुझाव दिया नहीं, परंतु क्रिटिसिज्म तो फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करते गए। और इनके कई नेता तो ऐसे थे जिन्होंने विधानसभा का मुंह ही नहीं देखा, क्वेश्चन पूछना तो भूल जाए। बट यस आई वुड लाइक कि ये भी टीम के एक अंश बने, हाँ। और ये भी हम लोगों को मदद करने में पीछे नहीं हटे। परंतु मुझे इसका भी दुख हुआ कि जो ऐसी स्कीम्स थी, जैसे महिला की स्कीम्स थी, जैसे भामाशाह डीबीटी योजना, ये सब योजनाओं को रोकने का कोई औचित्य नहीं था, जो 5 साल तक रोकने का काम सरकार ने किया। केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी फिर से एक बार राजस्थान में आती हैं और इस तरह से मजबूत स्थिति वापस सरकार की बनती है तो चेहरा मुख्यमंत्री का आप ही होंगे। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में बहुत हद तक खुल के कुछ नहीं कहा जाता, कनी काटी जाती है, ऐसा भी सुने में, मतलब हो सकता है अफवाहें हों, ऐसा कहा जाता है कि फिर से पूरी प्रक्रिया की जाएगी, तो ऐसा कुछ है या जस्ट रियल? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग थोड़ा सा जल्दी नहीं कर रहे, अभी तो अपने सामने चुनाव हैं, चुनाव जीतने का काम है, पूरी पार्टी एक मुखी होके इसके ऊपर लगी हुई है। अभी तक आपने देखा होगा इसके रिजल्ट भी अच्छे हुए हैं, और मुझे विश्वास है कि अगले 15 दिन हम लोग सब फील्ड में जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑलरेडी उतर चुके हैं, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, हमारे सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पूरी पार्टी एक मुखी होके इसके अंदर चल रही है। तो मैं ये सब्जेक्ट आपका जो है ये जीतने के बाद फिर डिस्कस करेंगे आप मुझसे, ठीक है? मुझे क्योंकि मैंने ये बात इसलिए छेड़ी, अभी आपने अमित शाह जी की बात की, आपको याद होगा धानक्या में एक सभा के दौरान आपकी मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के सामने अमित शाह जी ने कहा था कि इस बार आप चेहरे को आगे मत लेकर जाए, क्योंकि ये हो सकता है कि एक अपनी पार्टी का एक तरीका हो या कार्यकर्ताओं से इस तरह संवाद करने का, खुलकर बात करने का तरीका हो, एंड आई थिंक इट इज अ ब्यूटी। बट उन्होंने कहा था कि आप कमल के निशान पर वोट लगाएं, चेहरे को आगे मत राइट, वो बिल्कुल सही है, हम भी यही बात कहते हैं। तो किसी को बुरा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग डिसाइड करते हैं, दिस इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी, और कमल का हमारा निशान है। मैं भी यही कहती हूँ जब मैं मंच पे जाती हूँ, तो किसी को वहां भी बुरा नहीं मानना चाहिए जब मैं ये बात कहती हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पिछली बार चुनाव देखें, एक बहुत बड़ी लहर थी मोदी लहर, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आते ही लोगों के चेहरे पे खुशी आ जाती है, तो इस बार अगर मैं राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करूं तो वो लहर उतनी ही प्रभावित है आज भी? देखो मैं ये मानती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने और उनका परचम पूरे देश के अंदर जोरदारी से फहरा है, इस चीज को हम लोग सब मानते हैं। और मैं ये भी मानती हूं कि जो हमारे प्रदेश के अंदर है, जहां वो जाएंगे वहां हमारे को उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। एक तरफ आपके राहुल गांधी जी हैं, अब उन्हें पूरी तोपे निकाल ली जितने तोपे निकालनी थी, और मेरा ये कहना है कि हमारे अध्यक्ष तो अभी गए हैं, 25 तारीख से प्रधानमंत्री हमारे जाएंगे, हाँ जरूर उनका प्रभाव रहेगा, वो है ही। अगर आपके खुद के कार्यकाल की मैं बात करूँ, आपने शुरुआत में ही मुझे 2003 की बात कर ली थी, 2004 की बात की, अपना खुद को आप जब एनालिसिस करते हैं तो आपका पिछला कार्यकाल से इस बार का कार्यकाल आपके लिए कितना बड़ा चुनौती भरा है या फिर अलग है या नहीं है? उतनी ही मेहनत, उतना ही सब कुछ, लेकिन अनुभव ज्यादा हो गया। दैट्स द वर्ड। ये जो शब्द अभी आपने कहे, हम तब नए नए थे, अनुभव नहीं था, बहुत कुछ सीखते रहे एज वी वेंट अलोंग, सीखते रहे, और विजन डॉक्यूमेंट जो तैयार किया था उसको फॉलो करने की कोशिश की। डरते थे कि इससे इधर से उधर हो गए तो क्या होगा, नई नई चीजें निकल के आ गई। मैंने 18 घंटे काम करने के बाद जो रिजल्ट आया इस बार, 18 घंटे काम करने के बाद उसका दुगना रिजल्ट आया, क्योंकि अनुभव हो चुका था और हमको मालूम था कि ये किस तरीके से इसको अवॉइड करके बेस्ट रिजल्ट कहाँ से निकल सकता है। तो मैं समझती हूँ कि उस समय हमने कुछ सीखा, और आज अभी 2013 के बाद उस जो सीख थी उस सीख को जमीन पे लाने का काम किया, साथ में रखकर आगे बढ़ने के लिए। पिछली बार की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जब जब चुनाव की बात आती है तो चलिए विपक्ष की, तो आपने कहा कि एक ड्यूटी है वो आप एक क्रिटिसिज्म करें और अच्छा क्रिटिसिज्म करें, हेल्दी क्रिटिसिज्म हो, कि समझ आए कि आप नए सुझाव पा पाए। विपक्ष तो घिर ही रहा था, लेकिन इस बार तो अपने भी सामने आके खड़े हुए, घनश्याम तिवाड़ी का नाम सामने आया जब वो 5 साल तक उन्होंने मोर्चा खोल के रखा, उनको हमेशा दिक्कतें रही, हमेशा शिकायतें रही। अब वो तो किन्हीं किन्हीं लोगों की, मैंने
उसमें मुझे मुझे लगता है कि कमेंट करना नहीं, आप तो उन लोगों से ही पूछे ना ये प्रश्न तो तो मतलब एज अ सीएम मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यू आर लीडर एंड यू नो कि आपको हर शख्स को कैसे डील करना है, साथ लेकर चलना है। ऐसे में क्या घनश्याम तिवाड़ी के जाने से कोई नुकसान वोटों में? अब वो अपन देखेंगे ना, आगे आप देखेंगे चुनाव में पता चलेगा। चुनावी साल में 70 दिन से ज्यादा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली रही, एक वैक्यूम सा बना, तो क्या क्या ये एक वजह रही जिसको लोग मुद्दा बना पाए, विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया कि आपने अपने केंद्रीय नेतृत्व और आपके बीच में? मैं ये मानती हूँ कि जो भी डिसीजंस हम लोग लेते हैं हम लोग पूरे पार्टी मिलकर लेती है। मैं मानती हूँ कि हमारे जो अध्यक्ष हैं इज अ वेरी फाइन कैरेक्टर और जिस तरीके से वो अपने पार्टी को चला रहे हैं और जो उनका क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ जो पार्टी को दे रहे हैं, दैट इज आल्सो मेकिंग अ डिफरेंस टू ऑल ऑफ अस। तो जब ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर जितना भी बड़ा, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का चेहरा भी क्या बहुत, अगर ये कहें कि वसुंधरा राजे के सामने उनके मुकाबले बहुत बड़ा बना दिया गया? मुझे आप लोगों से ये कहना है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता हमारे लिए अमूल्य है और उनको आगे ले जाना, उनको बढ़ाना ये पार्टी का काम। अब इस तरीके से कंपैरिजन अपन तो क्या करें, मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि उनकी सबकी जगह है और सबको सबने पार्टी ने सबकी मैंने क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ को पहचानने का काम किया। मतलब मदन लाल सैनी का ग्राफ थोड़ा बढ़ा है इस घटनाक्रम के दौरान, तो मैं समझती हूँ कि डिजर्विंग है क्योंकि देखिए इस पार्टी का अध्यक्ष वो है जिसने जिंदगी भर जमीनी कार्यकर्ता के रूप में दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। उस तरफ देख लीजिए आप, उस तरफ देख लीजिए, उस तरफ के अध्यक्ष को देख लीजिए और इस तरफ के अध्यक्ष को देख लीजिए। ये व्यक्ति वो है जिसने पसीने से, अपने खून पसीने से बुरे वक्त में बीजेपी के साथ रह के और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का काम किया, पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया। आज वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं समझती हूँ कि कितनी बड़ी बात है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं और एक छोटे से कार्यकर्ता को हम प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं, इससे बड़ी बात क्या है। राजस्थान गौरव यात्रा का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जब आपने विकास रथ यात्रा निकाली तो काफी मतलब जो भीड़ जैसे जुट रही थी वो कुछ और तस्वीर बयां कर रही थी। देखिए जयपुर से हम लोग क्या सोचते हैं फील्ड में एक्चुअली में क्या चल रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैंने चाहे लोग कुछ भी बोले और एक कारण ये भी हो सकता है कि महिला होने के नाते यू हैव टू वर्क डबली हार्ड टू प्रूव योर क्रेडेंशियल्स टू पीपल। मैंने ये देखा कि 18 काम, मुझे नहीं लगता कि आप लोग ऐसा सोचते होंगे आप ऐसी कोशिश नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैंने महिलाओं के लिए ये कोशिश की है कि जन्म से लेके बुढ़ापे तक उनका सहारा होना चाहिए ताकि वो मैंने एक स्वाभिमान की जिंदगी जी सके। और इसीलिए मैं आज आपको कह रही हूँ कि यहाँ बैठे बैठे हमको नहीं मालूम पड़ता कि वहाँ क्या हो रहा है। हमने मेहनत की है, हमने दौरे किए हैं, हम लगातार फील्ड में रहे हैं और मैं गौरव यात्रा में जाने से पहले भी लोगों को कह रही थी कि जो फील्ड के अंदर बात है वो बहुत अलग है। 7 जुलाई को मैंने उसको देख लिया था जब लाभार्थियों के सम्मेलन मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने किया था, उसमें 3.5-4 लाख लोग आए थे और हर एक व्यक्ति जो आया था वो एक लाभार्थी था। तो छोटी बात नहीं है, गौरव यात्रा भरतपुर नहीं जा सकी लेकिन नहीं अब ये गौरव पहले तो अपन ये गौरव यात्रा में पहला मुख्यमंत्री है मैं समझती हूँ जिसने मंच पर खड़े होकर अपने क्या क्या काम किए हैं इस क्षेत्र के अंदर जहाँ हम खड़े हैं उसका अकाउंट दिया। वहाँ जिस जगह पे हम खड़े थे वहाँ व्यक्ति कोई भी उस मीटिंग में खड़ा होकर कह सकता था कि नहीं हुआ। व्हाट अ रिस्क, कितना बड़ा रिस्क, पर मुझे इतनी श्योरिटी थी कि ये काम हुआ है इसलिए लोग इस चीज को मानेंगे और माने। तो जब आदमी मान रहा है कि मेरा इतना अच्छा काम हुआ है कि मेरे को पानी मिला है, मेरे गौरव पथ बने हैं, मेरे रोड बने हैं, मेरे सिंचाई का पानी मुझे मिला है, मेरे यहाँ किसान बैठे हैं जिनके 50,000 के लोन माफ हुए हैं, मेरे यहाँ 5 हॉर्स पावर और 10 हॉर्स पावर वाले वो छोटे काश्तकार बैठे हैं जिनकी बिजली के बिल 10,000 रुपए तक के माफ हुए हैं,
इनफैक्ट 5 horsepower and 10 horsepower का तो कंप्लीट हो गया. ये सब बैठे हुए हैं, वो आराम से हाथ ऊपर करके कह सकते थे कि नहीं नहीं हमको नहीं मिला है. तो जब कोई नहीं बोला 1.5 महीने की यात्रा के अंदर, तो मेरा मानना है कि लोग चाहते कि विकास हो. और गौरव यात्रा जरूरी थी क्योंकि मेरे को भी समझ में आ गई और मेरे साथ जो चले जर्नलिस्ट उनको भी मालूम पड़ गई कि एक्चुअल में इलाके में क्या हो रहा है. अच्छा, जहाँ जहाँ आप भरतपुर की यात्रा की बात कर रही हैं, आपको मालूम होगा कि उस समय, याद होगा कि उस समय हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ और 7 दिन का शोक हम लोगों ने अनाउंस किया था. उस समय हमारे सब प्रोग्राम्स कैंसिल हो गए थे. तो सवाल ही नहीं था कि ऐसे टाइम में हम लोग कहीं भी बाहर जाके किसी भी किस्म का कार्यक्रम इस तरीके का कर सकें या करें. और क्योंकि वो मेरे बहुत ही ज्यादा करीब थे, ग्वालियर के होने की वजह से, परिवार का बहुत अच्छा और घनिष्ठ मित्रता होने की वजह से, करीब राजमाता साहब के साथ, उनके साथ इतना सवाल ही नहीं उठता था कि मैं ये सब काम नहीं करूँगी. कि अभी आपने एक्सपीरियंस जोड़ा, आपने कहा कि अनुभव आपको, मतलब पिछली बार जो हमने जिस तरीके से किया था, इस बार थोड़ा सा तरीका बदल के वो एक्सपीरियंस के साथ काम किया. इस बार चुनाव में अगर मैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से सीधा सीधा पूछूं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने? मेरा मेजर मुद्दा है विकास. बिकॉज आप भी एक सपना देखे हो, वहाँ के युवा भी एक सपना देखी है, यहाँ के बुजुर्ग भी, यहाँ के व्यवसायी भी, यहाँ के टूरिस्ट भी, यहाँ के ये सब अलग अलग महिलाएं भी, सब ने एक कोई सपना देखा है. उस सपना को पूरा अपन बातों से नहीं कर सकते, अपन जाति से नहीं कर सकते, अपन मजहब से नहीं कर सकते. अगर मुझे नौकरी दिलवानी है, अगर मुझे ये सब काम करने हैं, तो उसके लिए एजुकेशन चाहिए, द बेस्ट एजुकेशन चाहिए, बेस्ट एजुकेशन के बाद बेस्ट हेल्थ चाहिए, नहीं तो हेल्थ ही नहीं है तो क्या एजुकेशन करोगे. और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कौन इंडस्ट्री आएगी यहाँ, और कहाँ से फिर रोजगार पैदा होगा. आज राजस्थान इज नंबर 1 IT स्टेट. आप कभी बिलीव कर सकते थे कि राजस्थान जैसा प्रदेश IT में नंबर 1 हो जाएगा? कर्नाटका माना करते थे हम लोग, परंतु कर्नाटका हमसे कंसल्टेंसी मांग रही है. सो यू कैन इमेजिन, हमारा जो डेटा सेंटर है Tier 4 लेवल का है. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इट्स प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इन द गवर्नमेंटल सेक्टर, वर्ल्ड, नॉट इंडिया ओनली, नो, वर्ल्ड, इन द गवर्नमेंटल सेक्टर. एंड IT से इतने सारे जॉब्स निकलते हैं. अब आज हमने IT को प्रमुख स्थान देके, हमारे जो बड़े बच्चे पढ़ पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और IT में आ रहे हैं, क्योंकि IT के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए हमने स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर शिक्षा वगैरह सब करवाने का काम कर दिया है. अभी भी उसको सुदृढ़ हम कर रहे हैं, नए टीचर्स आ गए हैं. इसी तरीके से नाउ आई वॉन्ट टू अपग्रेड दी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, इंक्लूडिंग योर कृषि. बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इसको आप ताकत दोगे तो हमारे जॉब क्रिएशन उससे आसानी से हो जाएगा. इन सब चीज को ध्यान में देते हुए करना. ये हमको जाति नहीं खिलाएगी, ये हमको मजहब नहीं खिलाएगा, विकास ही खिलाएगा. और चाहे हम कुछ भी कर लें, आखिर में हम सबको विकास के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा. मेरा सवाल इसलिए बहुत जोर देकर मैं कर रही हूँ क्योंकि राजस्थान का, मैं खुद राजस्थान से हूँ और राजस्थान में मैंने हर 5 साल में सत्ता बदलती देखी. तो क्या मैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को देख रही हूँ और वो इतिहास जो रहा है चुनावी मैदान का, चुनावी बिसात का, इस चुनावी रण का इतिहास राजस्थान के, वो तख्ता पलट जाएगा? मैं सबको इस ये कोशिश कर रही हूँ उनके ध्यान में लाने की, यही विकास की कहानी जो मैंने अभी आपको बताया कि ठीक है हम जाति की बात कर रहे हैं, ठीक है हम हर मैंने हमारे मन में आ जाता है तो हर 5वें साल में हम बदलते हैं, पर ये भी सही नहीं है क्योंकि हमने 50 साल राज दिया कांग्रेस को, तब तो बदले नहीं ना अपन. तो हम एक बार और मौका देंगे? नहीं, तो मैं ये मानती हूँ कि जो काम करता है उसको मौका देना जरूरी है क्योंकि तभी तो प्रदेश आगे बढ़ेगा. नहीं तो हम और ऑपोजिशन दोनों मजे में हैं, हमें मुझे ना उनको कोई काम करने की जरूरत है और जनता मुसीबत में है. तो हम कहना की कोशिश कर रहे हैं, जनता को ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना सोचो और एजेंडा हम सब के सामने रख दो कि भैया ये विकास होना है
और ये विकास नहीं होगा तो कल तुम नहीं होगे। इस विकास के साथ तुम्हारी सरकार जुड़ी, हमको जाति के साथ, मजहब के साथ नहीं, विकास के साथ, हमको मौके के साथ नहीं, हमको विकास के साथ, हर चीज को विकास के साथ जब हम जोड़ेंगे तब मैं समझती हूँ कि इसके अंदर बदलाव देखने का हमें मौका मिलेगा। चलिए ठीक है, तो मैं 2018 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को फिर से एक बार मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही होंगी। दैट्स वेरी स्वीट, भगवान की इच्छा, माई की कृपा, और हम जो अच्छे काम किए हैं और जनता का आशीर्वाद, मैं विश्वास करती हूँ कि उसका फल हमारी पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। हम लोगों के साथ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, और जैसे हम लगातार इनके इलेक्शंस दौरों को देख रहे हैं, सभाओं को भी देख रहे हैं, बहुत जोरों शोरों से मेहनत हो रही है। इस बार देखिए चुनौती कोई बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ ये है कि जो इतिहास चला आ रहा है हर 5 साल में सरकार बदलने का, क्या उस पर इस बार फिर से पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खरी उतर पाएंगी, और इसके साथ साथ क्या विपक्ष को एक बड़ी चुनौती दे पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इलेक्शन कवरेज में आपको मेहनत जोरों शोरों से नजर आ जाएगी, और मुझे लगता है कि शायद जो अगले चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि जनरल इलेक्शन पर इसका भी असर पड़ेगा, ऐसे में इन इलेक्शंस की मेहनत उस पर भी नजर आने वाली है। तो ये आज हमारे साथ वसुंधरा राजे जी थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम एक बार फिर से आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुझे लगता है कि आप जो मेहनत कर रही हैं उसके लिए जय जय राजस्थान।